नमस्ते, स्वागत है आपका टीवी 9 के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। अब होली का त्यौहार है और भारत में होली सिर्फ त्यौहार नहीं होता बल्कि मौसम की तरह होता है। अब होली के त्यौहार में लोगों में जो उत्साह होता है उसमें अगर संगीत भी शामिल हो जाए तो मज़ा और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। और इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारी खास मेहमान भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है विधि आपका। मशहूर गीतकार विधि शर्मा हमारे साथ हैं। विधि, सबसे पहले तो हमें पता चला है कि आज आपका जन्मदिन भी है और इतने खास मौके पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जन्मदिन वाले दिन आज कुछ होली के गीत मैं आपको सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम उसी पर आ रहे हैं विधि। जैसा कि अब होली का त्यौहार है और संगीत तो ऐसा होता है ना कि कोई भी त्यौहार हो जब उसमें संगीत शामिल हो जाता है तो लोगों का उत्साह और भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। इस बार आपसे भी जानना चाहेंगे क्या माहौल आप होली का देख रही हैं और क्या संदेश देना चाहेंगी। होली हमें एक बहुत ही हमारे लिए उत्सव है, त्यौहार है, पुरानी रंजिशों को भुलाने का एक बहुत सुंदर प्रथा है इस त्यौहार में कि सब अपने डिफरेंसेस को भुला करके, अपने झगड़ों को भुला करके सब साथ में होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो एक दोस्ती का त्यौहार है बहुत सुंदर होली। और जिस तरह से अलग अलग रंग होते हैं तो हमारे जीवन में भी ऐसे अलग अलग रंग होते हैं, तो हर रंग को किस तरह से एंजॉय करना चाहिए, किस तरह से रिलिश करना चाहिए, ये एक बहुत ही खूबसूरत संदेश हमारा होली का त्यौहार देता है। और तीसरी बात ये है कि जो इसकी जो एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें प्रह्लाद की घटना है, तो भगवान विष्णु, जो मुझे लगता है जो भी लोग कृष्ण की लीलाएं गाते हैं या राम सीता की होली गाते हैं, तो डेफिनेटली वो एक जो तार जो जुड़ा हुआ है वो भक्ति से भी जुड़ा हुआ है। भक्ति का जो एक रंग है वो हमारे ही देश का एक बहुत ही खास रंग है, विशेष रंग है, तो उसके साथ में वो भी रहता है। तो इस तरह से होली का त्यौहार अपने आप में सब कुछ समेटे हुए है, सबके लिए कुछ ना कुछ है। जी बिल्कुल विधि, लेकिन इसको आप कुछ अपने शब्दों में कहना चाहें, आपने कुछ स्पेशल, क्योंकि आपके तो दर्शकों को एक बार और भी बता दूं कि हर घर में आपने सुबह एक गीत जरूर सुना होगा कि भोर भई आरती हर घर में चलती है, उस आवाज़ के पीछे भी विधि शर्मा ही है, वो आवाज़ विधि शर्मा की ही है जो आप हर घर में सुनते हैं। विधि, अब होली का त्यौहार है, इस पर आप भी कुछ दो शब्द। जी ज़रूर, होली पे तो मैं क्या बताऊँ, संगीत रहता है, जगह जगह उत्सव होते हैं, तो उसमें हम होली के गीत गाते हैं और जो पुरानी परंपराएं हैं उसको याद करने का हमें एक मौका मिलता है। और दूसरी बात कहें तो हाँ, साथ में खाना और गाना दोनों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मनाया जाता है त्यौहार। और इस तरह से हम लोग जो है, हमें और लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी मिलती है। दूसरी बात यह है कि बसंत ऋतु रहती है तो मौसम इतना खूबसूरत रहता है कि उसमें सबसे जुड़कर सबके सामने प्रस्तुति देने में, संगीत करने में बहुत मज़ा आता है। विधि, लेकिन बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जो आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे, आपकी कुछ पंक्तियाँ अगर आप गुनगुनाएं। जी जी ज़रूर ज़रूर, मैं एक होली का एक गीत आपके लिए सुना रही हूँ, उसकी धुन मैंने बनाई है। होली खेलत है गिरधारी, होली खेलत है गिरधारी, मुरली चंग
बजत डफन्यारो मुरली चंग, बजत डफन्यारो संग जुबती ब्रज नारी, संग जुबती ब्रज गिरधा। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया थैंक विनी जी। बिल्कुल, मतलब जिस तरह से आपकी आवाज़ है उसके तो सभी कायल हैं, और आपके भजन भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं, लोग इतना सुनते हैं आपको। और आपके कई भजन ऐसे हैं, जैसे कि आप, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि भोर भाई आरती तो आपकी काफ़ी फेमस है, हर घर में ये आरती ज़रूर सुनी जाती है। और इसके पीछे ऑफकोर्स आपकी जो आवाज़ है, आप किस तरह से लोगों को बोलना चाहेंगी कि होली पे जिस तरह से आपने गाया गिरधारी को लेकर, आपने भजन खुद लिखती हैं आप, आपको कहाँ से इतना इंस्पिरेशन मिलता है, कैसे आप करती हैं? मुझे इंस्पिरेशन अपने आसपास सभी लोगों से इंस्पिरेशन मिलता है, और मुझे लगता है संगीत अपने आप में एक पूरी विधा है, पूरी कला है, जिसमें हम शब्द गाते हैं। तो जब तक हम शब्द को समझेंगे नहीं, हम किस तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को। तो शब्दों की जो बात है, बात कहने की जो बात है, बस यही एक, इसीलिए बहुत लंबी जर्नी कहा जाता है संगीत को, क्योंकि संगीत अपने आप में एक, जैसे बोलते हैं ना, समुद्र है। तो अनडाउटेडली उसमें खाली सिर्फ सुर का काम नहीं है, उसमें ताल भी है, उसमें शब्द भी है, उसमें शास्त्र भी है, उसमें अध्ययन भी है, और बहुत सारी पेशेंस है। तो अभी ये एक तरह से आप कह सकते हैं प्रयास है, जो निरंतर चलता रहे। यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम इस तरह से करते रहे। और सबसे बड़ी प्रेरणा तो मुझे लगता है जिसको सारी दुनिया मानती है, वो है माँ सरस्वती। तो मुझे लगता है उनकी आराधना करे बिना वो कृपा नहीं मिल सकती है। सो आई फील ब्लेस्ड, मुझे बहुत लगता है कि एक ब्लेसिंग के रूप में है जो हमें मिला है, तो उसी को हम ट्रेजर करें जितना कर सकें, और इसको आगे बढ़ाते रहें, बिल्कुल डेवलप करते बिल्कुल रहें। बिल्कुल विधि, लेकिन आपको सुनकर ऐसा लगा कि बस जो आवाज़ आपकी थी, बस उसे सुनते ही रहे, और इतने में ही आपका संगीत, आपने दो लाइनें गुनाई। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा और गुनगुनाए कुछ, ताकि दर्शक जो सुन रहे हैं वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए। मैं तो 2 मिनट के लिए उसमें ही खो गई थी, आपकी आवाज़ में ही खो गई थी। ओ, जरूर जरूर, मैं सुनाती हूँ आपको एक दूसरी होली गाती हूँ। और इसकी खास बात यह है कि अभी एक पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का परंपरा नाम से एक प्रोडक्शन आ रहा है, जिसमें उनके सुपुत्र पंडित जयकिशन महाराज जी, उनके लिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। कई सारी उसमें होलियाँ थी, तो उसमें महाराज जी की रचनाएं हैं, कुछ उनके जो दिग्गज जो पूर्वज हैं, पंडित बिंदादिन महाराज जी हैं, उनकी रचनाएं हैं। तो वो सब मुझे गाने का मौका मिला, तो उसमें हर तरह का रंग था, जैसे होली के रंग होते हैं ना, तो उसमें होली में भी विरह का भी रंग था, प्रेम का भी रंग है, भक्ति का भी रंग है। तो हर तरह से वो एक परिपूर्ण था। तो उसी में से एक छोटी सी होली मैं सुनाती हूँ आपको। कासे खेलूं मैं पिया घर नाहीं, कासे खेलूं मैं पिया घर नाहीं, पिया घर नाहीं, पिया घर नाहीं, कासे खेलूं मैं पिया घर नाहीं, कासे खेलूं मैं होरी खेलत मोहे लाज आवत, होरी खेलत लाज है आवत, कान के कंठ गहे मोरे बाहे, कासे खेलूं मैं पिया घर नाहीं, कासे खेलूं मैं।
वाह वाह, क्या बात है विधि। मैं बोल रही हूँ आपकी आवाज में जो स्वयं ऐसा लगता है कि शायद सरस्वती माँ विराजमान है, क्योंकि इतनी अच्छी आवाज आपकी है, मंत्र मुग्ध कर देती है। दर्शक तो काफी आपको पसंद करते ही हैं, जो भी सुनता है। मैंने देखा आपके जो जिस तरह से आपको सोशल मीडिया पर आपके वीडियो थे, लोग काफी पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो हर दिन आपको सुनते हैं, एक ही भजन हर दिन लोग वही भजन आपका सुनते हैं और बहुत पसंद किया जाता है। विधि, आपका कोई पसंदीदा भजन जो आप हमें सुनाना चाहें? अब इस मौके पे तो मुझे जो है सिर्फ रंग और होली का ही रंग नजर आता है, पर एक बड़ी प्यारी रचना है, बहुत ही पॉपुलर भजन है वो। मेरा मुझे वो गाने में बहुत स्पेशल लगता था, उसी की कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। श्याम तेरे बंसी, कन्हैया तेरे बंसी, पुकारे राधा नाम। श्याम तेरे बंसी, पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। कौन जाने कौन जाने सुनिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसके गुण गाए। श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम। राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। वाह वाह, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास सच में शब्द नहीं है। आपको सुन के ऐसा लगता है कि बस आपको सुनते रहें, आप जो बोल रही है वो सुनते रहें। जिस तरह से आप गाती हैं बहुत ही अच्छा, आपको ऐसे ही लोग ऐसे पसंद नहीं करते इतना। और जैसा आपने बोला शुरुआत में कि होली का त्यौहार है तो होली से रिलेटेड कुछ होना चाहिए, लेकिन आपने जो गाया है वो मथुरा वृंदावन का, उसमें जिक्र है और वहाँ की होली, तो आप भी जानती है कि वहाँ की होली जो है, जिसने मथुरा वृंदावन की होली नहीं खेली वो क्या ही खेला। आपने तो इसमें श्याम, बिल्कुल ब्रज, मथुरा सबका जिक्र कर दिया है। तो विधि, फिलहाल बिल्कुल आपका खास मौके पर, इसने अपने खास दिन पर हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार और आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।